नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सर डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का सच। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? सर कब से आ रहे हो आप डेरे? मेरे को बहुत चेर हो रही है, जो एक काम हुआ था। सर कैसा माहौल देखा है आपने डेरे के अंदर? जो पूरे गुरु जी ने डेरे का माहौल बनाया है, अच्छा कहीं नहीं है। सर लड़कियां सुरक्षित हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। सर आज संत जी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आखिर क्या कारण? जो है सरकार है ना, ये हर किसी संत आते हैं वो चिढ़ती है सरकार, जो अच्छे काम करने वाले हैं उन पर चिढ़ती है, ये क्यों करते हैं अच्छे काम, भलाई करिए कहने 134 भलाई करिए करें, कोई साथ साथ दुनिया में नहीं है जी, बाहर सामने दुनिया में। सर कौन से भलाई के कार्य करते हैं, कुछ कार्य बता सकते हो आप? सारे भलाई कार्य कर रहे हैं, ब्लड देते हैं, मकान बनाते हैं, किसी लड़की शादी भी करते हैं, बीमार का इलाज करवाते हैं, और कौन करता है? सर आज संत जी समाज के अंदर नहीं है तो क्या नुकसान हो रहे हैं समाज के अंदर? ये सरकार जो समाज के बीच हो रहा है बहुत बुरा हाल हो रहा है। ये संत नहीं है वैसे ही, डेरा सच्चा सौदा जो अच्छा कार्य करे वो आज भी करे करे नहीं। सर आज लगता है संत जी की जरूरत है समाज के अंदर? है, समाज को जरूरत है आज संत जी? हाँ समाज का जरूरत है अच्छे कार्य की। कितना विश्वास है सर अपने गुरु पे आपको? बहुत विश्वास है। क्या कारण है सर, आखिर क्या दिया है उन्होंने जो आप कहते हो आज विश्वास करते हो आप? हमें जो खुशी नापदा दिया सतगुरु ने, जो खुशी उन्हें मिलती है कहीं नहीं मिलती, और एक ऐसा संत बीमारियां तो रहित कर दे, नाम ऊषा दिया और बीमारियां तो रहित कर दे, अपना कारोबार भी करेंगे बीमारियां तो भी रहित हो गए, ऐसा ही इस तो चंगा और क्या चाहिए। सरकार से क्या अपील करोगे सर? सरकार तो सरकार ही है बस, ये तो हर चढ़ती है ये सरकार ना, सरकार ही क्या काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख सकते हैं लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका यही कहना है कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा इतने मानवता भलाई के कार्य करते थे, इतना देश का सुधार कर रहे थे कि जिनके कारोबार नशे के कारोबार वैश्यवृत्ति के कारोबार बंद होते जा रहे थे वो लोग उनसे चिढ़ते थे और इसी कारण संत जी को फंसाया गया है। ये था डेरा सच्चा सौदा का असली सच। लोगों के द्वारा जो भी लोग यहाँ पर आते हैं सालों सालों से जुड़े हुए उनको हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।